अगर आप अपनी गाड़ी फाइनेंस पे लेते हैं और फाइनेंस पे यानी लोन पे आपने बाइक ली है या दूसरी गाड़ियां ली हैं, तो ये खबर आपके लिए है। जी हाँ, ये खबर कुछ ऐसी है कि फाइनेंस वाले जो हैं हफ्ता टूटने पर गाड़ियां उठाते थे और वो गाड़ियां कंपनियों को जमा नहीं करते थे, यानी जिस फाइनेंस कंपनी से वो लोग आते थे उस पे ले जाके वो गाड़ियां जमा नहीं करते थे, बल्कि वो गाड़ियां किसी और को, तीसरे व्यक्ति को भेज दी जाती थी। ये खुलासा किया है नालासोपारा पुलिस स्टेशन और मीरा भाईंदर वसेवरार आयुक्तालय की जो क्राइम ब्रांच 2 है, वो यूनिट 2 ने खुलासा किया है। दरअसल इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इसके साथ ही टोटल 34 जो बाइक्स हैं ये बाइक्स बरामद की हैं। अब आप सोचिए कि जो गाड़ियां आपकी गाड़ी आपने खरीदी है और आपका हफ्ता टूट गया और एक एजेंट आके कहता है, एक फाइनेंस का रिकवरी एजेंट आपके पास आता है और वो कहता है कि ये गाड़ी आपको जमा करनी पड़ेगी क्योंकि आपका हफ्ता बाउंस हो गया है, आप ईएमआई पे नहीं कर रहे हो, इसलिए अब आपको गाड़ी जमा करनी पड़ेगी, और आप ईमानदारी करते हुए गाड़ी उस फाइनेंस पर्सन को दे देते हैं, रिकवरी एजेंट को, और आपसे साइन करवा के ले लिया जाता है और इसके बाद वो गाड़ियां दूसरों को बेच दी जाती हैं। अब सोचिए कि ये जो है अपराध है, इस अपराध से और कितने अपराध जन्म ले सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो गाड़ी आपने, आपकी गाड़ी है, वो आपके नाम की गाड़ी है, वो गाड़ियां और किसी भी अपराध में यूज की जा सकती हैं, क्योंकि जिसने 2-5-10 हजार रुपए में गाड़ी खरीदी है उसे कैसे यूज करेगा कोई ईमानदार व्यक्ति, तो इस तरह की गाड़ियां खरीदता नहीं है। तो ये इस तरीके का मामला नालासोपारा में पिछले कई सालों से ये खेल खेला जा रहा था, जिसे नालासोपारा पुलिस स्टेशन और क्राइम ब्रांच यूनिट 2 की टीम ने मिलकर 34 यानी 34 गाड़ियों को रिकवर किया है। इस पूरे मामले में देखिए गाड़ियां हैं और इन गाड़ियों को रिकवर किया है पुलिस ने, और इसके बाद इस पूरे मामले में 3 लोगों को अरेस्ट भी किया है। तो इस पूरे प्रकरण में आज डीसीपी सुहास बावचे जो डीसीपी हैं, उन्होंने, मीरा भाईंदर वसेवरार आयुक्तालय के डीसीपी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने खुलासा किया है। तो आइए जानते हैं कि डीसीपी सुहास बावचे इस पूरे मामले पर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं। 14 अप्रैल को नालासोपारा पुलिस स्टेशन में एक FIR रजिस्टर हुआ था। संकेत विष्णु मोहिते, इन्होंने एक FIR रजिस्टर कराया था। इनका कहना यह था कि उनकी जो एक एक्टिवा स्कूटर है, वो स्कूटर फाइनेंस के रिकवरी एजेंट इन्होंने आके लेके गए थे, और जब वो उनके जो पेंडिंग ये है इंस्टॉलमेंट है वो भरने के लिए फाइनेंस कंपनी में गए, तब उनको पता चला कि उनकी जो व्हीकल है वो व्हीकल वहाँ पे जमा नहीं कराई गई। तब उनको पता चला कि जो एजेंट रिकवरी के लिए आए थे उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, फ़ायदे के लिए वो उनकी बाइक जो है वो बाइक बेच दी है। तो यह रजिस्टर होने के बाद में नालासोपारा पुलिस स्टेशन और साथ में जो हमारी क्राइम ब्रांच के यूनिट 2 की पूरी टीम जो है, वो पूरी टीम इसका इन्वेस्टिगेशन में लग गए थे। तो दोनों टीम में साथ में मिलकर इसका आगे का इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन करते इसमें जो रिकवरी एजेंट करके जो 3 लोग आए थे, वो 3 आरोपियों को पकड़ा गया, जिसमें पॉल नाडर, दूसरा है सलमान शेख और तीसरा है सुधांशु कणोजिया। तो ये 3 आरोपियों को ताबे में लेके उनकी पुलिस कस्टडी रिमांड ली गई। रिमांड लेने के बाद में उनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने इसी तरह के से अलग अलग लोगों से गाड़ियां लेकर कंपनी में जमा ना करते हुए अलग अलग लोगों को अलग अलग जगह पर ये सब गाड़ियां बेची है। इसकी जानकारी मिलने के बाद में नालासोपारा पुलिस स्टेशन की टीम और क्राइम ब्रांच यूनिट 2 की टीम, इन्होंने दोनों ने मिलकर 17-17 कुल मिलाकर 34 बाइक जो है वो बाइक रिकवर किए, जिसकी कुल मार्केट वैल्यू 21,50,000 के आसपास आंकी गई है। इनकी जो काम करने का तरीका या मोडस था, जब भी कोई रिकवरी एजेंट किसी का अगर इंस्टॉलमेंट, लोन का इंस्टॉलमेंट बाकी है और ऐसे व्हीकल जब वो डिटेन करने के लिए आते हैं, तब उनकी तरफ से एक सरेंडर फॉर्म भरना और उस पर साइन लेना ज़रूरी होता है। साथ ही वही सरेंडर फॉर्म पुलिस स्टेशन में कार्रवाई से पहले और कार्रवाई के बाद जमा करना ये मैंडेटरी है, ज़रूरी है। ये लोग पुलिस स्टेशन में या फाइनेंस कंपनी में किसी भी तरीके का इंटीमेशन ना देते हुए अपने स्वार्थ के लिए लोगों से गाड़ियां जब्त करके वो अलग अलग लोगों को कम दाम पे बेचा करते थे, और जिनसे मतलब मुनाफा उनका कमाना चालू था। पहले से भी इन पर कोई धाराएं हैं क्या, कोई गुनाह कहीं दाखिल है किसी बात?
इनमें से एक जो आरोपी है सलमान हनीफ शेख करके, तो उसके ऊपर में काफ़ी सारे ऑफेंसेस है, वो रजिस्टर्ड है। पूरे ये इन्वेस्टिगेशन के इसमें पुलिस की तरफ से हम आम जनता को, सभी लोगों को ये आह्वान करना चाहते हैं कि कोई भी रिकवरी एजेंट अगर आपके लोन के इंस्टॉलमेंट अगर पेंडिंग है और इसकी वजह से अगर आपकी कोई व्हीकल अगर वो डिटेन करने के लिए आते हैं, तो सरेंडर फॉर्म भरने के बाद में उसकी एक कॉपी अपने पास रखना ज़रूरी है। साथ में आप खुद होकर पुलिस स्टेशन जाके वो सरेंडर फॉर्म का जो एक ये फॉर्मेट है वो पुलिस स्टेशन में जमा करना ज़रूरी है, जिसकी वजह से जो अगर कोई बदमाशी करना इसमें चाहे तो वो बदमाशी करने से परहेज सर, करेगा। एजेंसी से जो कोई आदि मिलते हैं। अभी तक का ऐसा नहीं है। आगे का जो है इन्वेस्टिगेशन अभी, और काफ़ी सारे जो व्हीकल्स है, व्हीकल्स मिलने के आसार है। हमारी टीम, दोनों भी टीम जो है वो दोनों टीम इसके पीछे लगी है। गाड़ियां कर रहे कहाँ थे भेजते हैं सर? गाड़ियाँ अलग अलग जगह पे, जहाँ पे उनको कस्टमर मतलब खरीदने वाले मिल जाते थे, तो कब से? अलग अलग जगह से लिया है। महाराष्ट्र में भी काफ़ी सारे जिले में इन्होंने गाड़ियाँ बेची है, ऐसी जानकारी है। तो जहाँ जहाँ से हमको जानकारी मिल रही है वहाँ से हम व्हीकल लगभग कब रिकवर से करते हैं। ये ऐसा कार्य कर रहे थे? देखिए वो पिछले तकरीबन 2 साल से तो वहाँ पे काम कर रहे हैं, और जो ये काम इन्होंने चालू करना शुरू कर दिया है वो पिछले कुछ 6-8 महीने के बीच में ये सब कांड जो है इन्होंने करना शुरू कर सर दिया। कई बार जगह गए नाला सब। नहीं, उसके बारे में तो